सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मॉर्निंग 6 बजे से स्टार्ट है और आप मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अभी 6 बज रहे हैं और अभी मैं नहाने जा रही हूँ और बच्चों को भी स्कूल जाना है, अभी उनके लिए भी नाश्ता बनाना है। तो नाश्ता बनाने से पहले मैं जाऊँगी नहाने। फाइनली मेरी बेटी तैयार भी हो गई स्कूल के लिए। नाश्ता भी बन गया है, सब कुछ हो गया है और आज मही मैं स्कूल नहीं जाएगी। आना, इसकी तबीयत ख़राब है तो आज स्कूल नहीं जाएगी। आज हमने नाश्ता भी कर लिया है, अब मैं मार रही हूँ झाड़ू। आज महिमा स्कूल भी नहीं गई है, आज उसको फीवर है, तो मैं मिलाती हूँ आपको महिमा से। आज महिमा की तबीयत ख़राब है, आज नहीं रो रही बहुत ज़्यादा। अपना फेस दिखाओ, अपना फेस दिखाओ। आना इस आज का मन थोड़ा बेकार है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आज ये। देखो कैसे रो रही है आज। आज महिमा भी घर पे है, उसकी आज तबीयत ठीक नहीं है, जिस कारण मैंने आज उसके स्कूल नहीं भेजा है। आज उसको थोड़ा हल्का सा फीवर हो गया है, थोड़ा सा कूल भी हुआ है, तो मैंने आज उसको स्कूल नहीं भेजा क्योंकि वो स्कूल जाती तो और ज़्यादा परेशानी होती और उससे भी ज़्यादा उसकी तबीयत बिगड़ती, तो आज मैंने उसे घर ही रखा है। और मेरा काम भी हो गया है, मैंने झाड़ू भी मार लिया है, पोछा भी मार दिया है, मेरे चावल बन रहे हैं और आज लंच में मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, जो कि मैं भी आपको बताऊंगी। मेरा तेल भी गर्म हो गया है और मैंने दाल बनाने के लिए यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च और हरा जो लहसुन के पत्ते होते हैं हरी वाली वो, और यहाँ पे कुछ लहसुन के बारीक बारीक टुकड़े भी करे हैं, साथ में अदरक भी है। और मेरा तेल गर्म हो चुका है और मैं इसमें डालूँगी जीरा, जीरा के साथ साथ डालूंगा लहसुन और लहसुन के पत्ते। सर्दियों में मसूर की दाल काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और आज हमारे यहाँ मौसम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी धूप है यहाँ पे भी। आज में थोड़ा सा ना हल्का उबाल सा आ गया था दाल में और मैंने यहाँ पे दाल उबाल के रखी है पहले से। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मसाले ऐड करूँगी। मैंने लिया धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच लिया मैंने हल्दी और हल्का सा नमक। सो मैंने अपनी दाल को कम्प्लीट ही बना दिया है, अब हम इसे अच्छे से उबालेंगे और अच्छे से पकाएंगे भी, क्योंकि मसूर की दाल जितनी पकती है उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। सो मेरा खाना भी पूरी तरह से रेडी है और मैं जा रही हूँ छत पे। छत पे देखती हूँ महिमा क्या कर रही है। वैसे तो मैंने उसको लेटने के लिए कहा था लेकिन वो मानती तो है नहीं, बच्चे मानते नहीं हैं। अब वो छत में है, देखती हूँ वहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि उसको पानी में भीगने का बहुत ज़्यादा शौक है। उसको जितना बोलो कि ये ना करो उससे ज़्यादा करती है, तो मैं ऊपर देख के आती हूँ महिमा क्या कर रही है। हमने खाना भी खा लिया है, बर्तन भी धो दिए हैं और मेरी बड़ी बेटी भी आ चुकी है। और आप बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।